दे सकते हैं। गन मास्टर मोलोटॉव है उनके पास, उन्होंने देखा था टॉक्सिको पर, इसी के साथ गाड़ी ब्लास्ट हुई। वहां पर और भी सेवन शोर के जो खिलाड़ी है डेविल, वो भी डाउन कर दिए गए। टॉक्सिक वो बसते आखिरी खिलाड़ी पर, टीम रेवेनेंट वो कहीं से तो आए, उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, मोलोटॉव का इस्तेमाल किया, TCW वो भी समाप्त हो गए, X7 वो भी समाप्त हुए, सेवन शोर उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से। उन्होंने फायदा उठाया कुल मिला के, और फाइनली टीम RG उनका भी यहाँ पे समापन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एक दाव इस मुकाबले में लग तो रहा है कि वो चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। 16 टोटल फिनिशर निकाले गए हैं। देखिए फियर्स, फाइनली फियर्स परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएंगे। अपोनेंट के ऊपर फिर से स्पॉट किया गया, फिर से कनेक्शन, बट इस बार नाम रहेगा सेंसे का, जहाँ पे निपट गए पर नहीं उनके एक और खिलाड़ी है जो बचे रहेंगे। पर पंक वो तो गाड़ी चढ़ाते हुए आपको दिखाई देंगे, प्लेस उनके बाहर वो खिलाड़ी आया, और TCW जैसे मैं बात कर ही रहा था वो आखिरी खिलाड़ी वहां पर बचा था, सीधा पॉइंट स्टैंडिंग की तरफ, और 30 अंक लेके जाते क्योंकि इस पूरे मैच में थी, लूट कर रही थी, बट पहला नॉक निकाला रेवेनेंट ने। बट अगर पहला नॉक निकाला इसका ये मतलब नहीं कि आप लॉस्ट डिनर्स जैसे एरिया में अटैक कर पाएंगे फ्री होके। गन मास्टर फियर्स को स्पॉट किया, उनको यहाँ पे डाउन किया जाएगा कि जाना पड़ेगा उनको, क्या X7 उनको जाने देंगे यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश। बट नॉक्स की पोजीशन बहुत लाजवाब, गाड़ी में से किसी ना किसी को तो गिराना चाहिए था, दोनों को डैमेज बहुत अच्छा दिया, लेकिन ये गलती साबित हुई, ये चांस था बहुत बढ़िया रेवेनेंट जैसी टीम को हराने का। प्रिंसिपल एक अप्रोच दिखाई है, ज्यादा फाइट्स की नहीं है, बट फाइनली वो आक्रमण की घड़ी अब यहाँ पे करीब आती हुई, इजी पीजी वो फियर्स के ऊपर आना चाहते हैं, बट फियर्स का एक बहुत शानदार नेट नॉक करेगा यहाँ पे मर्नॉक्स को। एक 1v2 का मौका दोबारा यहाँ पे फियर्स के पास, एक और नेट वो यहाँ पे करेंगे, वो नेट भी कनेक्शन ढूंढेगा, टॉक्सिक को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। फियर्स इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ, और एक्विनॉक्स का भी आगमन यहाँ पे होता हुआ, अविश्वसनीय एक्विनॉक्स और फायरफुल फियर्स, ये कमाल की जोड़ी यहाँ पे रही, और वहां अपडेट कर रहे अलग डायरेक्शन में जिसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। टीम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स की बात करें तो ये भी मिड रेंज में जो फायदा उठाना चाह रहे अब इनके पास मौका, पिछला मुकाबला बहुत बेहतर, इस मुकाबले में भी कोई कमी नहीं थे, उनको भी खत्म किया जाएगा। हाथ में एक नेट था कुछ देर के लिए, चलिए नेट को मोलोटॉव में बदला उन्होंने, और उसके बाद वो मोलोटॉव यहाँ पे करने की कोशिश करी गई, स्पॉट तो कर चुके हैं गाड़ी के नीचे से स्प्रे देने की कोशिश, और अपने अपोनेंट ZGTX को मुश्किलों में जरूर डाला है उन्होंने। जी खत्म मिलते हैं, कमाल का प्रदर्शन आया है, सांगवान को भी स्पॉट किया, शॉट देने की कोशिश करी, उनको नॉक करते करते वैक्सी का कवर आएगा, यही वो टीम वर्क है जो आपको चैंपियन बनाता है, बट सांगवान वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, एक्विनॉक्स के द्वारा उनको डाउन, बहुत ही कमाल की ये प्लेयर्स है, बट सेंसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे से बाकी प्लेयर्स भी आते हुए, चलिए वैक्सी को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, सेंसे वो प्लेयर थे और एक्विनॉक्स जाके खत्म करेंगे, इसी के साथ ब्रॉलर्स का खेल खत्म। बट राइजन एक्स वो अभी भी इंतजार करते हुए, केवल एक प्लेयर जॉक्सी नामक वहां पे अभी भी मौजूद है, ही टेक्स वन डाउन, एक प्लेयर को डाउन किया गया, क्या यहाँ पे एक मैजिकल मिस्टिकल क्लच देखने को मिल सकता है। चौकसी सब कुछ दांव पे है, सामने प्लेयर स्पॉट किया, बट इट्स नॉट एनफ, और देखते हैं कौन कितने अंक निकाल के गए रेवेनेंट आर्मी ई-स्पोर्ट्स के पास। आएगा देखने में कि टीम रेवेनेंट क्या वो एक हैट्रिक मारने वाली है चिकन डिनर की, और शुरुआत हो चुकी है। पिछले मुकाबले के MVP जो है पंक, उन्होंने वो पहला फिनिश निकाला, और सेवन शोर को एक शोर लाइन तक लेकर के जाएंगे, और वहां से लॉबी का रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर से होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉलर्स और आरएन की जो फाइट है वो भी चल रही है, बट पंक एक और ग्रेनेड उनके हाथ में, और रेवेनेंट पूरी तरीके से फियरलेसली ही खेलते हुए नजर आएंगे, उनको पता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर चल रहे हैं, और ऐसे में अग्रेशन में कोई भी कमी वो छोड़ेंगे नहीं, और खासकर जिस मोमेंटम के साथ उन्होंने पहले के मुकाबले खेले, आप देखिए एक खिलाड़ी को फिनिश किया, इंस्टेंट जो पोजीशन है वो आता हुआ नजर आया, हालांकि सेंसे डाउन जरूर है, देखना ये कि क्या उनको फिनिश किया जा सकता है, बट जी नहीं सेंसे भी बच के निकल जाएंगे, और ऐसे में सेवन शोर अब मात्र दो ही खिलाड़ी के साथ, चलिए टॉक्सिक वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे, और अब वो बहुत ज्यादा करीब जाते हुए टीम रेवेनेंट के भी, और साथ ही साथ BGIS के टिकट के भी। दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक है रेवेनेंट के, उनको यहाँ पे बचाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, स्पेशली एक्विनॉक्स की अगर बात की जाए। वहीं पंक की बात करें, स्पॉट उन्होंने किया है, ग्रेनेड्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया ज्यादा उड़ सकता है, बट पंक के पास वो ग्रेनेड है नहीं, सेंसे एनिमी रेड मार्क किया जा चुका है, वो एक ग्रेनेड क्या मुश्किलें बढ़ाएगा। जी हाँ, वंश को वहां पे डाउन किया गया, और अब पूरी तरीके से बैकफुट पर ZG के खिलाड़ी, चलिए एक और नॉक वहां पर आएगा जरूर, प्ले जोन से वो खिलाड़ी डाउन, और इसी के साथ एलिमिनेशन भी ZG खिलाड़ी। अब आगे बढ़ते आपको नजर आएंगे, बट लुनाटिक वहां पे YashPTC का एक फ्लैंक आ रहा है जो बहुत गेम डिफाइनिंग हो सकता है सिनारियो में। या पंक को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज दिया गया, बट लुनाटिक के रायन की बात करें उनको टेक डाउन किया जाएगा फियर्स के द्वारा, यश उनको भी डाउन किया जाएगा, और अब वाइपर द MVP वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते, 10 फिनिशर्स वो ऑलरेडी निकाल चुके, एक और नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। व्हाट वाइपर, आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी, वो 13 फिनिशर्स के साथ, हाईएस्ट फिनिशेस के साथ लेकर के जाते हुए BGIS 2024 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विनर चिकन डिनर।
टोटल जो उनके पॉइंट्स है वो काफी रहने वाले, टोटल 19 अंक इन तीन मुकाबलों से वो लेके गए। पहले बार नजर डालते हैं कि कितने टोटल अंक किसके पास उन टीम्स को जिनका आज का दिन बिल्कुल अच्छा। आखिरी मैच में ही